नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि लोगों में अब टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि हर एक बात पर अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या कारण है कि हमारे जीवन में अशुभता आ जाती है, हम बात बात पर अब शब्द बोलने लगते हैं। ऐसे कौन से ग्रह कारक हैं जिनके कारण जबान में अशुद्धता जाती है, अब शब्द बोलने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो क्या कारक कौन से ग्रह हैं, किसके कारण होता है, कैसे ठीक किया जाए, इन विषयों पर आज हम बात करेंगे। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, मूलांक के बारे में बात करेंगे और दिन को बेहतर करने के लिए आपको एक सलाह देंगे, सुझाव देंगे, वास्तु संबंधी एक महा उपाय बताएंगे। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 15 जुलाई 2019 दिन सोमवार, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में 1:49 तक है। मूल नक्षत्र सायंकाल 6:52 तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। इंद्र योग मध्य रात्रि के बाद 3:14 तत्पश्चात वैधित योग लगेगा। चंद्रमा धनु राशि में है, लखनऊ में राहु काल प्रातः 7:04 से 8:46 तक है। पूरब दिशा की यात्रा करना मना ही है, दिशाशूल है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक है तो श्वेत मिष्ठान खाकर आप यात्रा करें, यात्रा सुखद होगी। अब आइए वास्तु संबंधी महा उपाय जान लें। सोमवार के दिन शिव दरबार की कपूर से आरती करना बड़ा लाभकर माना जाता है। 3 शंख बजाएं और कपूर से भगवान शिव की आरती करें शिव दरबार की, तो बहुत कृपा बरसती है। और साथ ही साथ पंचामृत का भोग लगाना चाहिए तो वास्तु देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वाणी की अशुद्धता क्या कारण है कि वाणी में अशुद्धि हो जाती है, इस विषय को समझिए। आपकी जन्म पत्रिका में दूसरा भाव वाणी का होता है और दूसरे का दूसरा यानी तीसरा भाव भी वाणी माना जाता है, और दूसरा तीसरा आठवां और नवां ये 4 भाव वाणी को बेहतर करते हैं। अगर इन 4 भावों में अशुभ ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह बैठ जाएं, या अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वाणी अशुद्ध हो जाती है। अब ये कहा जाता है कि वाणी दूसरे भाव का जो कारक है वह बुध है, वाणी का कारक बुध है। यदि बुध कहीं पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यदि बुध कहीं 6, 8, 12 भाव में आ जाए, तब ऐसे लोग बात बात पर अपशब्द बोलते हैं। यदि शनि दूसरे भाव में आ जाए तो नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राहु दूसरे भाव में आ जाए तो इनका तकिया कलाम बन जाता है, ऐसे कोई अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो दूसरा और तीसरा भाव ये वाणी कारक है। अब इसका वास्तव में किस ग्रह से संबंध है? चंद्रमा से, राहु से, शुक्र से संबंध है। यदि चंद्रमा शुभ है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बड़े सुंदर वाणी बोलेंगे, सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा यदि पाप के प्रभाव में है, मंगल की दृष्टि हो जाए, क्रूर मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाए या राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत गड़बड़ हो जाता है, फिर वाणी कारक बुध भी गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा होने पर बात बात पर क्रोध करते हैं ये और अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस तरह की इनकी एक मानसिकता बन जाती है। शनि और राहु का संबंध यदि दूसरे तीसरे आठवें या नवें भाव से हो जाए तब तो यह बात बात पर गाली गलौज करते हैं। चंद्रमा और राहु का संबंध दूसरे भाव में हो जाए तब भी इनके अपशब्द बोलने का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि दशा चल रही हो, दूसरे भाव की दशा चल रही हो और उसमें अशुभ ग्रहों की भी दशा चल रही हो, तब भी लोग गाली देने लगते हैं। तो कैसे इसको ठीक
ठीक किया जाए, क्या कारण है कि गाली लोग देते हैं? एक तो खास बात है, जल तत्व की कमी भी हो जाती है और अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। जब शरीर में अग्नि और वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है तब ऐसे लोग अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरे को कुछ समझते नहीं, इसलिए गाली गलौज देने लगते हैं और समझते हैं हम गाली दे करके स्वयं को समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर डाला, इस तरह का भाव आ जाता है। यदि दूसरे भाव में वृषभ राशि हो, चंद्रमा वहाँ बैठा हो, तो ऐसे लोग अपने को ब्रह्मा ही समझते हैं, अहंकार अधिक बढ़ जाता है। और यदि कहीं उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो लोगों को गाली गलौज करना और अपने को साक्षात ब्रह्मा ही समझना, अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं और दूसरे को बहुत ही निकृष्ट समझते हैं, तो गाली गलौज करते हैं। सिंह राशि भी हो जाए अगर यदि दूसरे भाव में, तब भी यदि पाप के प्रभाव में हो जाए तब भी ये लोग किसी अन्य को समझते नहीं हैं और अपने को सब कुछ समझते हैं। लेकिन सिंह राशि खास बात ये भी है कि अगर सिंह राशि द्वितीय भाव में है तो शंका करना, दूसरों पर अपने परिजनों पर शंका करना, परिवार में बहस हो जाना, यदि मंगल और राहु की दृष्टि हो जाए तब तो और विस्फोटक स्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा लोगों में अशुभता आ जाती है, वाणी में खान पान से भी आ जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो खान पान की अशुद्धता भी कभी कभी वाणी को अशुद्ध कर देती है। तो अपने खान पान को बेहतर करना चाहिए। आपको विस्तर पर भोजन करेंगे तो क्रोध आएगा, इसलिए धरती पर बैठकर भोजन करना चाहिए। उसका भी बहुत सारा कारण होता है। जब आप धरती बैठ करके पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में भोजन करते हैं, उत्तर दिशा में भोजन करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और पूर्व दिशा में करेंगे तो आपके अंदर ऐसी विलक्षण बुद्धि आएगी कि आप धन कमा सकेंगे, और पश्चिम दिशा में करेंगे तो रोग होगा, और दक्षिण दिशा में मुख करके बैठते हैं भोजन करते हैं तो अब बहुत अधिक रोग होता है, परिवार में तनाव आता है, कलह हो जाता है। अब धरती पर बैठ कर भोजन करने का एक और लाभ है कि आपके नाभि के बाईं तरफ पित्त होता है और जिसका संबंध सीधे धरती से हो जाता है, और धरती का पुत्र मंगल है और मंगल पित्त का कारक माना जाता है। तो जब आप भोजन करते हैं तो एक ऐसा आकर्षण बन जाता है कि मंगल पाचक रस बना देता है और भोजन पच जाता है, इसलिए धरती बैठ के भोजन करना चाहिए। अशुद्धता ना हो, शुद्ध भोजन करें, बहुत ही प्रसन्न भाव में भोजन करें, तो ऐसा करने पर आपके मन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका प्रभाव मन पर ही पड़ता है। आपको हम बताएंगे अल्पविराम के बाद में कि कैसे सुधारा जाए, यदि वाणी में अशुद्धि आ गई तो सुधारा कैसे जाए, इस विषय को हम बताएंगे। उसके पहले आइए चार राशियों का हाल जान लें। मेष राशि के जातक, अपनी वाणी पर संयम रखें, यात्रा का योग बन रहा है और योजना बनाकर कार्य करें तभी बेहतर होगा। कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें। आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र का चयन करना है। शुभ अंक आपका एक है, भाग्य आपका 81% है। वृषभ राशि के जातक, संगीत में रुचि बढ़ेगी, धैर्य रखें और सायंकाल में धन प्राप्ति का योग बनेगा, मित्रों के द्वारा सहयोग बना रहेगा और बहुत उचित होगा आसमानी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 72% है। मिथुन राशि के जातक, सोच समझ कर कार्य करें, पुरुषार्थ सिद्ध होगा, अचानक कोई मित्र आपके मिल सकते हैं जो लाभकर होगा, वाहन आदि खरीदने का योग बन रहा है और उत्तम होगा कि आज के दिन आप काही रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 83%। कर्क राशि के जातक, आनंद उत्सव जैसा आज दिन रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, अपनी वस्तुओं को अपनी चीजों को संभाल कर रखें, गायब कोई वस्तु हो सकती है। लाल रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 4 है,
भाग्य आपका 48% है। वक्त हो गया छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि के जातक अपमान ना करें और दूसरी बात संशय न करें। यदि आप किसी पर संशय करेंगे तो आपका भी अपमान होगा, तो संशय न करें। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यात्राएं आपकी हो सकती हैं और संतान से बहुत लाभ होगा। और उत्तम होगा कि आज के दिन आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 5 है और भाग्य आपका 55% है। कन्या राशि के जातक विरोधी परास्त होंगे, काम करने में मन लगेगा, निर्णायक कार्य करेंगे, बहुत उत्तम होगा। निर्णय अनिर्णय का द्वंद भी बना रहेगा। पश्चिम दिशा से शुभ सूचना मिल सकती है और आज के दिन आपको चाहिए हरे रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 6 है, भाग्य आपका 68% है। तुला राशि के जातक धन लाभ का योग बना है, परिजनों का सम्मान करें, जीवन साथी को उपहार दें। आज भैरवनाथ की पूजा करने पर विशेष लाभ होगा और उत्तम होगा धानी रंग के वस्त्र का चुनाव कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 78% है। वृश्चिक राशि के जातक स्वस्थ मनोदशा रखें, अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, कार्यस्थल पर सम्मान होगा, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं और उत्तर दिशा से शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। और आज के दिन बैगनी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 8 है, भाग्य आपका 80% है। तो आपको बता रहे थे कि खान पान से भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है और मन पर जब प्रभाव पड़ता है तब आप मन जो है क्योंकि बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ होता है, भौतिकवादी होता है और जब आपका काम बनते नहीं है तो आपको क्रोध आ जाता है, तब आप अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो उसमें उचित है कि जो लोग ज़्यादा अधिक अपशब्द बोलते हैं वो कैसे अपने को ठीक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी बोलने पर, अशुद्ध बोलने पर बहुत बड़े बड़े काम गड़बड़ हो जाते हैं। तो कैसे अपनी वाणी पर संयम रखें इस बात को समझ लीजिए कि प्रातः काल बोल बोल करके गायत्री मंत्र पढ़ें। जब आप बोल बोल गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आपके चारों तरफ मंत्र के ध्वनि की एक आवृत्ति बन जाएगी, धीरे धीरे वाणी आपका बेहतर होगा। आप पूजा जब करें तो बोल कर करें मंत्रों को, तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। दूसरा कि तुलसी का रस, तुलसी की पत्ती खाने पर वाणी शुद्ध हो जाती है। तीसरा सौंफ का प्रयोग करें, यदि घर से निकलते हैं सौंफ खाकर जाएंगे तब भी आपकी वाणी बहुत शुद्ध हो जाएगी। काली मिर्च का काढ़ा पिए, जैसे चाय पीते हैं तो चाय में काली मिर्च डाल दें, दूध न डालें, इस तरह तुलसी पत्ती डाल दें, काढ़ा यदि पीते हैं आप तो भी आपकी वाणी बहुत शुद्ध हो जाती है। और उस खास बात है कुछ भी खाएं या पिए तो पूरब या उत्तर दिशा में आप बैठकर खाएंगे पिएंगे तो आपकी वाणी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आपके मन पर आत्मा पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी वाणी बहुत ही शुद्ध हो जाएगी। और प्रयास भी करें, बोलने के पहले एक बार सोचें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलें प्रिय बोलें। ये शास्त्र हमारे कहते हैं कि प्रयास करें कम से कम बोलें, सुने लोगों की अधिक और सुन करके कम से कम शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वाणी में सरस्वती जी आ जाती हैं।
उसी वाणी में सरस्वती आती हैं कि जिनकी वाणी बहुत ही शुद्ध होती है, जो किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं। देखो वाणी दूसरे भाव का कारक तो है, लेकिन वहाँ का दूसरा भाव धन का भी कारक होता है। यदि आप अशुद्ध बोलोगे तब आपके पास धन की कमी रहेगी। जो लोग गाली देते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो धन के लिए बहुत ही तड़पते हैं, धन उनका आता जाता रहता, धन की कमी बनी रहती है। इसलिए क्योंकि दूसरा भाव वाणी का कारक भी है और कुटुंब का कारक है, धन का कारक है। यदि आप अशुद्ध बोलोगे तो परिवार में कलह हो जाएगी, परिवार के लोग बहुत ही अधिक समस्या में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो आपको आपकी वाणी के अशुद्धता से धन की कमी होगी और कुटुंब या परिवार में भी बहुत ही असहमत हो जाती है। इसलिए शुद्ध बोलेंगे, यदि आप सुंदर बोलेंगे, उसका प्रभाव होगा कि आपको धन का प्रभाव होगा, धन की प्राप्ति होगी और परिवार भी आपका बड़ा सुंदर होगा, आपस में तालमेल बना रहेगा। तो आपकी वाणी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सोच समझ करके सारगर्भित मधुर वचन बोलने पर आपके जीवन में बहुत बेहतर हो जाता है, हर क्षेत्र उत्तम हो जाता है। इसलिए जब भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसीलिए कहा गया इसको, तो शुद्ध और सुंदर स्पष्ट बोलें, बेहतर बोलें, तब आपका भी विकास होगा, सामने वाला भी प्रभावित होगा आपसे और बहुत उत्तम होगा आपके जीवन के लिए। तो आज हमने जाना कि शुद्ध वाणी बोलने पर धन का लाभ होता है, परिवार की उन्नति होती है और स्वयं भी आत्म शांति मिलती है, दूसरे को भी शांति मिलती है और वाणी से हम जगत को प्रभावित कर लेते हैं, हमारे मित्र बढ़ जाते हैं और आपका नाम सम्मान यश बढ़ता है, ये वाणी से बढ़ता है। और वाणी यदि शुद्ध है तो प्रातःकाल 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र बोल कर पढ़ें या कोई भी मंत्र बोल के पढ़ें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को भी आप बोलें प्रातः बोल करके, तो वाणी आपकी शुद्ध हो जाएगी। अब वक्त हो गया छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे धनुराज से मीन राज तक दैनिक राशिफल आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं धनुराज से मीन राज तक दैनिक राशिफल के बारे में। धनुराज के जातक, अचानक चोट चपेट लग सकती है क्योंकि आपकी राशि पर कल 16 तारीख को ग्रहण लगेगा, तो बहुत सारे चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो दिक्कतें आ सकती हैं, सावधानी से कार्य करेंगे। वाहन चलाना या किसी से वार्तालाप करना, धन का लेन देन सावधानी से करेंगे तो बेहतर होगा। और उत्तम है कि पीले रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 9 है, भाग्य आपका 90%। मकर राशि के जातक, संकीर्ण विचारों को त्याग दें, नकारात्मकता को त्याग दें और छल ना करें, किसी ब्राह्मण से या किसी भी व्यक्ति से छल दंभ ना करें, क्योंकि आपके अंदर ये रहता है कि आप अपने को पहले देखते हैं, दूसरे को बाद में, तो ऐसा ना करें। कि संसार ऐसा बना ही है, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, तो जब आप किसी की सहायता करते हैं तभी आपकी सहायता होगी, ऐसा ना करें कि धीरे धीरे आप छल करते रहें और अंत में दिक्कत हो जाए, क्योंकि आप बहुत चंचल राशि है और बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें सावधानी से दूसरे का अहित न हो, ये बात ध्यान रखें। बहुत उत्तम होगा कि आज के दिन आपको काही रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 4 है, भाग्य आपका 84% है। कुंभ राशि के जातक, परिवर्तन का योग चल रहा है, आपकी नौकरी में, स्थान में, स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, क्रोध न करें, चीजों को समझें और जब आप रिश्तों को समझते हैं तब आप भी उसमें समाहित हो जाते हैं, बेहतर होता है। और आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 55%। मीन राशि के जातक,
संतुष्टि परिजनों के सम्मान और सेवा से मिलेगी। घृत का दान करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, दूर कहीं यात्रा हो सकती है और परिजनों का सम्मान करें। और बेहतर है कि आज के दिन आप आसमानी रंग के वस्त्र का आप चयन करें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 82%। अब आइए मूलांक के अनुसार जान लें कि आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1, थोड़ा सा तनाव रहेगा और तनाव दूर करने के काली मिर्च 2 दाना खाकर जाएंगे, बहुत उत्तम होगा। मूलांक 2, आज के दिन श्वेत मिष्ठान खाकर जाएं, काम बनेगा। मूलांक 3, तुलसी दल खाने पर लाभ होगा। मूलांक 4, आज दही का सेवन करें, बहुत उत्तम होगा। मूलांक 5, बादाम खाएं तो बहुत लाभ होगा। मूलांक 6, सौंफ का प्रयोग करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। मूलांक 7, एक इलायची का प्रयोग करेंगे, धन लाभ होगा। मूलांक 8, लौंग का प्रयोग करेंगे तो मित्रों में आपस में तालमेल बना रहेगा। मूलांक 9, आज जरा सी हल्दी जल में डालकर पिएंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो मूलांक के अनुसार हमने जाना छोटे सरल उपायों को, जिनको करने पर दिन में शुभता बनी रहेगी। अब आइए दिन को बेहतर करने के लिए एक सलाह ले लें। तो आज की सलाह है कि कभी किसी को अपशब्द न बोलें, क्योंकि तो शब्द ब्रह्म है, शब्द अमर है, इसलिए सोच समझ करके ही बोलें। शब्द ही तो ब्रह्म है, तो सोच समझ कर बोलें और ये समझ कर बोलें कि सामने वाले में मेरा प्रभु है, मेरा ईष्ट है, इसलिए बहुत ही प्रिय संभाषण करना बड़ा उत्तम होता है। तो आज का यही सलाह है कि सबसे बहुत प्रेम से बोलो तो आप जगत को जीत लेंगे। तो आज के संक में बस इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।